ऊपर दर्शन करने के बाद नीचे यहाँ पे दर्शन करना। ठीक है ठीक है, चलो धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, अभी हम कहाँ पे हैं? अभी आप यहाँ इस आप भावरी मंडप के पास है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे राम जी को शादी होने के बाद राम जी यहाँ पे फर्स्ट नाइट, जिसको सुहागरात बोला जाता है। अच्छा, हमारे मिथिला भाषा में इनको जो कोहबर घर बोला जाता है। अच्छा अच्छा, आप उस जगह पे है, उस मंदिर का दर्शन कराने के लिए लाए हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ का खासियत ये चीज है, और पहले ऊपर दर्शन करने के बाद नीचे यहाँ पे दर्शन करना। ठीक है ठीक है, चलो धन्यवाद। ये भावरी मंदिर है जहाँ भगवान राम, मतलब हमारे जो बोलते हैं सुहागरात बोलते हैं, पहला दिन उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर, मतलब इस स्थान पे व्यतीत किया था। ठीक है, और ये मंदिर है एंड अभी हम चलते हैं दर्शन वगैरह करने। बाकी हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? अभी हम नेक्स्ट लेकर जाएंगे हम आपको जानकी महल। जानकी महल, राजा जनक जी को, पहले राजा जनक जी को महल था। अच्छा, तो जानकी जी को शादी होने के बाद राजा जनक जी ने आपको उनको दान कर दी। अच्छा, तो जानकी महल नाम पर लाख मंदिर है। नहीं लास्ट नहीं, अभी और भी है। तो गाइस अभी हम इसके बाद चलेंगे जानकी महल, उसका वेट तो मैं भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो अभी हम चलते हैं। एंड गाइस ये मंदिर है और ये है भावरी पांडव मंडल मंडप एंड हाँ। और कहाँ से भाई? हरियाणा से। अरे रे रे, अपने भाई हो तुम तो यार। गंगा सागर तीर्थ यात्रा सेंटर देहरादून लक्की बाग से अभी हमारे साथ, मतलब 80-90 लोगों का ग्रुप आ चुका है। अंकल जी थोड़ा वहीं पे है, अभी मैं आया हूँ एंड कि अभी हमारे यात्री लोग ये खड़े हुए हैं पीछे एंड बाकी और भी लोग अलग अलग उसमें ग्रुप में जा रखे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी यहाँ के बारे में थोड़ा अंकल जी हमें बताएंगे, ये जो ड्राइवर साहब है ये हमें थोड़ा इस जनकपुरी के बारे में बताया। जनकपुर है यहाँ पे, ये पड़ता है नेपाल में। ठीक है, तो अभी हम पूछते हैं अंकल जी, थोड़ा बताओ इसके बारे में ना। अंकल जी बताओ, राजा जनक जी का महल। अच्छा, जो राजा जनक जी का ये महल बोला जाता है, तो राम जी और जानकी जी को शादी होने के बाद राजा जनक जी ने दान में दे दिया। अच्छा, तो इनको नाम पड़ गया जानकी महल। अच्छा, तो ये प्राचीन काल का प्रसिद्ध आपको दिखाया जाएगा, ये दर्शन हो रहा है रियल। अच्छा, ये दर्शन करने के बाद सीधा मंदिर महल में जाने के बाद वहाँ पे दर्शन करके सुनैना माता का पीछे का राउंड लेगा, तो सुनैना माता जो शालिग्राम भगवान लेकर वहीं के रोजाना पूजा करती थी। अच्छा, उनको रोजाना आशीर्वाद मिलते थे शालिग्राम भगवान से, जो शालिग्राम भगवान आपको हवे में आते थे प्राचीन काल में। तो वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है। क्या चीज? लक्ष्मण जी। हाँ हाँ, जो लक्ष्मण जी का नेपाल भारत में एक ही जगह यहाँ जनकपुर में यही मिलेगा। अच्छा, और कहीं नहीं। ठीक है ठीक है, दुनिया में और कहीं नहीं होगा लक्ष्मण जी का मंदिर, जो यही मिलेगा। ठीक है, जो लक्ष्मण जी ने बोला गया था जो प्रभु का दर्शन करने के बाद मुझे यहाँ पे दर्शन करेगा उनको मनोकामना पूरा होगा, तो यहाँ अंदर दर्शन करने के बाद यहाँ पे दर्शन होते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण जी को दर्शन करने के बाद चारों भाई का जो लगन मंडप है आगे, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। So guys, ये है मंदिर, ये पुराना प्राचीन मंदिर है। So guys, ये मंदिर है अंदर का, और विश्वास नहीं हो रहा, मतलब इतना प्राचीन मंदिर मैं अपनी आंखों से देख रहा है, पुराना मंदिर है बहुत ना। ये देखो आप, जानकी माता की माँ सुनैना माता जो यही पेड़ रोजाना शालिग्राम भगवान लेकर यहीं पे बैठकर पूजा करती थी, जो रोजाना उनको आशीर्वाद मिलती थी सुनैना माता को। अच्छा, ये है रियल मंदिर। हाँ, ये देखो आप, शालिग्राम भगवान आगे रखे हुए हैं। ठीक, ये देखिए। तो गाइस, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, बताया जाता है अगर आपने इसके दर्शन करे हैं तो, अगर इसके दर्शन नहीं करे तो क्या हो जाता है, मनोकामना पूरी नहीं होती है। ठीक है, ये देखो आप मंदिर, ये है एंड हर हर शंभू। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर इसको जरूर करना, देन मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।